8 साल पहले मैं ताज के पीछे में एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम है भुसाफा रेस्टोरेंट, वहाँ मैं एज ए अकाउंट्स मैनेजर काम कर रहा था। लेकिन जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ उस दिन हम लोग को क्या लगा कि शादी चल रही होती, जैसे नॉर्मल होता था होटल में, तो पटाखे बज रहे थे, फायर क्रैकर होता था, हम लोग को लगा कि वही चल रहा है। लेकिन जब वो लियोपोल्ड से कस्टमर फॉरेन कस्टमर हमारे होटल में आने लगे और जो भीड़ बढ़ने लगी, तो वो लोग ने बताया कि टेररिस्ट अटैक हो गया, डर का माहौल होने लग गया क्योंकि बम का आवाज़ आने लग गया और उधर बहुत गोलियों का आवाज़ आने लग गया। इसके वजह से हम लोग को लगा कि कुछ तो हो गया। तो हम लोग दो दिन के अंदर हम लोग ने उधर ही थे, न खाया पिया न कुछ भी नहीं था, क्योंकि स्टाफ होटल में कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं करके रखा था। इसके वजह से सब लोग डर के मारे समय में रहते, तो इसने बहुत से लोगों के ऊपर बहुत मतलब बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोग कितने प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम में चले गए थे। और मैं जो हूँ उसके आने के बाद इतना डर गया था कि मैं लगभग 6 साल तक ऐसे जिया, जैसे कि हर मेरे को मैं किसी कोई पब्लिक प्लेस में जाता था कि कोई मेरे को मारेगा करके ऐसा हमेशा लगता था। और डर के कारण मैं कभी किसी मिल नहीं पाता था, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर देता था, कभी बाहर नहीं जाता था और किसी को आने नहीं देता था। ओपीडी डिपार्टमेंट है जो मेंटल हॉस्पिटल का, उनसे सजेशन किया तो मेरा प्रॉब्लम क्या था, सब सिजोफ्रेनिया हो गया था। इसके वजह से उन लोगों ने मेरे को 10 शॉक दिया था, 10 शॉक पहली बार दिया था, 10 शॉक दिया था, कम से कम अराउंड 25 शॉक मैंने लिया। लेकिन मेरा उसमें कंडीशन में कुछ हो ही नहीं, कुछ इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। मैं अपने होश में आवास में था, ना मेरा दिमाग काम करता था, ना मेरा शरीर काम करता था, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था इससे अच्छा लगता था कि वो उसी दिन मैं मर जाता था, वो सबसे अच्छा रहता था, क्योंकि इतना मेरे वजह से कितने लोग अफेक्ट हो गए, मेरी फैमिली स्पॉइल हो गई। मेरे भाई ने मेरे को छोड़ दिया कि मतलब मैं ट्रीटमेंट कर मेंटल हॉस्पिटल में गया, तो उसके नाम से वो लोग बोलने लगे कि हमको अपना समाज में अपना नाम खराब नहीं करने का, इसका आदमी पागल हो गया, इसीलिए वो लोग उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। और मेरे को मेरे लड़के से मिलने के लिए 7 साल हो गए, उसको देखा नहीं मैंने। फिर धीरे धीरे मेरे मम्मी डैडी ने मतलब मेरे को बहुत जगह लेके गए, कभी किसी पंडित के उधर लेके गए, कभी गाँव में 4 बार हम लोग पूजा करके आए, फिर कभी कोई बाबा के उधर गए, तो आने जाना लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मतलब मेरे जो लाइफ के जो भी खराब दिन थे वो पिछले 2 साल से मतलब उससे उभर के मैं आ गया हूँ। आज मेरे पास कॉन्फिडेंस है, अंदर से खुशी है, एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है, मेरा मॉरल एकदम हाई है। ये सब चीज़ें मेरे 6 साल में एकदम ख़त्म हो गई थी। पिछले 2 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब पर जा रहा हूँ, और फिलहाल मैं अभी करंटली दादर में एक पारसी ग्रुप कंपनी है, उन लोग के अंडर में काम कर रहा हूँ। वे लोग बहुत मतलब बहुत अच्छा ग्रुप है। पिछले 2 साल से मैं एकदम अपना लाइफ कॉन्फिडेंस के साथ विथ फुल मॉरल के साथ और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता कि लाइफ में मैंने अपने लाइफ को कभी कदर नहीं की होगी, लेकिन अभी बहुत कदर करता हूँ। अभी सबके साथ एकदम इंटरेक्ट करता हूँ, सबके इमोशन और फीलिंग को समझता हूँ, और सब एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मैं किसी को डिमोरल नहीं करता हूँ, किसी को मतलब किसी का क्या बोलते हैं ना, नॉट पुलिंग ए लेग ऑफ एनीवन, वी शुड रिस्पेक्ट अदर, लेट द अदर बी आल्सो लिव एंड लेट अदर आल्सो लिव।